हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक मंडी। मंडी में धूम मचाने के बाद अब आ रहे हैं आपके शहर सुरभि होटल पालमपुर में एग्जीबिशन कम सेल 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। सुरभि होटल पालमपुर, गाउन सूट साड़ी लहंगा कोटी पर 50% ऑफ। 200 रुपए में पैंट शर्ट एक के साथ एक फ्री, 500 रुपए में शर्ट एक के साथ एक फ्री, 200 रुपए में लेडीज सूट एक के साथ एक फ्री। तो जल्दी चले आइए सुरभि होटल पालमपुर में और सेल का भरपूर आनंद उठाएं। जवाली की ग्राम पंचायत कुठेड़ में वार्ड 2 के बाशिंदे ईश्वर सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर जिलाधीश कार्यालय पहुंच गए हैं और लिखित शिकायत पत्र एडीसी को सौंपा है। गाँव वासियों ने कहा है कि वार्ड में अधिकतर आबादी एससी एसटी व मुस्लिम समुदाय से है तथा आज तक हमारे गांव को जाने वाला रास्ता मात्र पगडंडी है जो कि जगह जगह से टूट चुकी है। गांव में बीमार होने पर मरीज को चारपाई पर उठाकर मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी जमीनों के एफिडेविट भी दे दिए हैं परंतु प्रधान द्वारा जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। लोगों ने जिलाधीश कांगड़ा से मांग उठाई है कि पंचायत के कार्यों की जांच करवाई जाए तथा प्रधान व उपप्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एडीसी धर्मशाला ने अति शीघ्र मांगों को हल करवाने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं ईश्वर सिंह फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने पूरे पंचायत के लोगों के साथ डीसी ऑफिस में। हमारी जो पहले जो हमने कार लगाई थी कि हमारे लिए रास्ता पक्का किया जाए, सड़क पक्की करी जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई कुछ खास हो नहीं रही है। इसके अलावा उन्होंने झूठी स्टेटमेंट दे दी है डीसी साहब को, उसी के हम कार लगाने आए थे कि 1500 मीटर कौन सा रास्ता पक्का हुआ है और कौन सा 300 मीटर का रास्ता रहता है। एक तो हमने वो मुहिम डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट करी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा हमने ये किया गया है, कहा है कि हमने जहाँ तक अपना एनालाइज किया है, लोगों ने हमने सबने यही चीज़ नोटिस की है कि हमारे प्रधान जी स्पेशली जातिवाद और गरीबी के आधार पर कोई काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो पंचायत है जिसमें अराउंड 45 जो घर हैं उसमें से 80% तो एससी एसटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें भी 60% जो लोग हैं जो गरीबी जिसमें आरडीपी बीपीएल तबके के लोग आ रहे हैं, शायद इसी वजह से वो हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके नज़रों में वैल्यू नहीं है निचली जाति और गरीबों की। सेकंड, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि ये सन 18-19 में वीडियो MMGTY के तहत मिल्खी राम से ताराचंद हरिजन बस्ती पक्का मार्ग के लिए 1.5 लाख की राशि 2 साल पहले स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। इट मीन फिर जातिवाद की बात आ रही है। दूसरा मुद्दा ये है जैसे करोड़ों की लागत के हिसाब से उन्होंने शमशान घाट हमारा बनाया, अच्छी बात है हमारे हिंदुओं के लिए शमशान घाट अच्छा बनाया, लेकिन मुस्लिम कब्रिस्तान की तरह मुस्लिम कब्रिस्तान तो बना ही नहीं है अभी तक कुठेड़ में, तो ये कैसा विकास हो रहा है, तो मुझे तो ये समझ है। इसके अलावा हमारे जब हमने लास्ट टाइम जो डीसी साहब के पास मुहिम लगाई थी तो उन्होंने अगले दिन जेई साहब को भेजा था, जेई साहब ने हमें बोला था कि आप हमें जमीन के पगडंडी के जो एफिडेविट आप दे दीजिए, एक हफ्ते के अंदर आपकी पगडंडी का काम भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आज देख लीजिए, आज 29 सितंबर हो चुका है और इसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।